Hello, hello, hello. Good morning, everybody. So today was 16th of January and I'm start my day with test, mock test planning. So basically, ये आप देख सकते हो AIPS first और second का test का chapters हैं जो मैंने लिख रखे हैं. So मैंने morning में सबसे पहले उठ के ये काम करा because actually मैंने आपको last vlog में बताया था कि मेरे IITs में थोड़े मार्क्स कम आए थे और मैंने अच्छे से प्लानिंग नहीं की थी, तो वन और टू टेस्ट ऐसे ही चले गए मेरे. सो मैंने उसके अच्छे से प्लानिंग करी, उनके स्टिकी नोट्स पे लगाया, लिखा और अपने टेबल के सामने लगा लिया, बिकॉज मैं ये दोनों टेस्ट फिर से दूंगी ऐसा मैंने सोचा है. लेट्स सी दे पाती हूँ कि नहीं दे पाती हूँ. एंड उसके बाद मैंने खाना खाया था. खाना खाने के बाद फिर मैं आई थी छत पे थोड़ी देर टहलने, बिकॉज फिर मैंने नहा भी ली थी, सोचा थोड़ा गर्मी आ जाएगी बॉडी में और फैलना भी हो जाएगा. एंड देन फिर मैं फाइनली अपनी स्टडी के लिए बैठ गई. तो सबसे पहले हुआ क्या, मैं पहले नीचे आई थी कमरे में, अपने कमरे में मतलब स्टडी टेबल पर बैठी थी. एंड फिर मैंने टू डू लिस्ट देखी कि मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, क्या क्या कंप्लीट करना बाकी है. सो उस दाग को इग्नोर करना भी, उस खाते वक्त खाना खाते वक्त लग गया था वो. सो मैंने सबसे पहले सोचा कि बायोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज क्या हो रहा है ना, बहुत दिन हो गए बायोलॉजी बहुत नेग्लेक्ट कर रही हूँ मैं फिजिक्स के चक्कर में. फिजिक्स का सिलेबस तो कम्प्लीट हुआ नहीं मेरे से, ऑर्गेनिक हो गई बट फिजिक्स का सिलेबस कम्प्लीट तो हुआ नहीं, और बायोलॉजी को नेग्लेक्ट कर दिया मैंने इसके चक्कर में. पर मैंने नेग्लेक्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, बल्कि मैंने इसलिए किया था बिकॉज है ना, मेरे को ये सारे चैप्टर्स आते हैं और मेरे सारे चैप्टर्स एज अ सिलेबस हो चुका है, मेरे को सिर्फ रिविजन करना है बायोलॉजी में. और फिजिक्स का सिलेबस कम्प्लीट करना है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा नेग्लेक्ट करा था. बट नाउ आई डिसाइड कि इसको अच्छे से करेंगे, बायोलॉजी को नेगलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज लास्ट ईयर वाला फंडा इस साल हो जाएगा वरना फिर. सो या आई डिसाइड कि अब सबसे पहले शुरुआत हम बायोलॉजी से करते हैं. और वैसे भी मैं फिजिक्स का एक चैप्टर मतलब एक लेक्चर मॉर्निंग में कर चुकी थी जो शूट नहीं कर पाई, और शूट नहीं करने का रीज़न क्लियर था कि लाइट्स नहीं थी, और सच बताऊँ तो मैं भूल गई थी शूट करना, बिकॉज मेरे दिलो दिमाग में रहा ही नहीं. एक्चुअली दो तीन दिन से व्लॉगिंग नहीं करी थी ना, तो मेरे दिलो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहा कि मुझे शूट करना है या नहीं करना. मैं डायरेक्ट लेके बैठ गई वो पूरा लेक्चर एक ख़त्म हो गया. एंड सडनली जब मुझे याद आया कि मुझे शूट करना था, तो सॉरी फॉर दैट. सो उसके बाद फिर मैं बायोलॉजी लेके बैठी. तो यहाँ मैं चेक करी थी कि मेरे को करना था बायोलॉजी क्लासिफिकेशन प्लांटिंग का मिस्टेक नोटबुक, बट जैसे ही मैंने खोला मेरे को बायोमोलिक्यूल्स का एक लेक्चर दिख गया, तो मेरे को सडनली क्विकली याद आया कि मेरे बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर रह गया था, मैं बाद में करूँगी करके इस चैप्टर को मैंने छोड़ दिया था. सो मैंने सोचा कि अब बायोलॉजी क्लासिफिकेशन प्लान की एकदम का रीजन तो गया भाड़ में, पहले मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी बिकॉज ये चैप्टर मेरा पेंडिंग में. सो वैसे और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर भी यही है, इसमें बहुत टाइम लगता है और उसको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है. तो फिर नीचे का नेटवर्क. सो अभी मैं आई हूँ छत पे, सिंपल सी बात है, नीचे नेटवर्क ही मिल रहा था. मैंने बहुत ट्राई करा बट मिला नहीं नेटवर्क, तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट पर करने से मतलब है नहीं. तो मैं आ गई छत पर और यहाँ करते हैं पढ़ाई, क्योंकि यहाँ नेटवर्क अच्छा मिलेगा, सबसे बेस्ट थिंग. सो लेक्चर है 6 आवर का, आई डोंट नो कितना क्या होगा, बट या मिला यू लैपटॉप ट्राईपोर्ड दो पेजेस, दो तीन पेजेस, और एनसीईआरटी, दो पेन, मेरा मोबाइल का चार्जर, एंड दैट्स इट. आई होप यहाँ नेटवर्क तो मिल ही जाएगा यार. शुरू करते हैं विदाउट फर्दर लेट. वेल आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब वगरीब लग रही होगी, धीरे धीरे क्योंकि मैं को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मेरे को दो तीन दिन से हो रहा है ना, वीक वीक सा महसूस हो रहा है. सो आई डिसाइड मैं थोड़ी कम पढ़ाई हो रही थी इस वजह से. और उसके बाद मैंने कम्प्लीट किया बायोमोलिक्यूल्स वाला लेक्चर, और फिर जैसे ही मैं लेक्चर को कम्प्लीट करने बैठी, देन आई थॉट कि मेरे को शॉर्ट नोट नहीं बनाने, मेरे को पूरा लेक्चर कम्प्लीट करना है, तो फिर नोट्स लेक्चर के नोट्स बनाने पड़ेंगे. तो थोड़ा मैंने जितना मैम ने बताया उतना मैंने किया, और लैपटॉप में वो घूमी हुई इस वजह से हो रहा था बिकॉज मेरा मोबाइल मेरे टैबलेट से नेट हो चुका था, और मेरा टैबलेट मेरी सिस्टर लेके बैठी हुई थी. सो मेरा जो नेट इंटरनेट था ना, वो सारा टैबलेट में चला गया, लैपटॉप में कनेक्ट हुआ ही नहीं, बड़े बड़े मुश्किल से धीरे धीरे कनेक्ट हुआ, बट वो फाइनली हुआ. देन जैसे टीचर ने लेक्चर स्टार्ट किया, मैम ने बोला कि सारे नोट्स को अच्छे से लिखना बिकॉज मैं माइंड में बनवाऊंगी. देन आई थॉट कि अरे यार मैं तो भूल गई कॉपी लाना, तो फिर मैं डबल नीचे गई
कॉपी लेके आई और देन उसके बाद मैंने बनाए नोट्स बायोमोलिक्यूल्स के, बिकॉज ऑब्वियसली बात है बिकॉज चैप्टर मुझे पूरा कंप्लीट करना था। एंड सच बताऊँ तो पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लाइक 6 और 30 मिनट्स का यह लेक्चर था और उसको कंप्लीट करने में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई। सो पूरा मैंने कंप्लीट नहीं किया था, थोड़ा ही कंप्लीट किया था, लाइक 3 ओवर का ही कंप्लीट किया था मैंने। और यहाँ पे मेरे टैब और लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा धूल लग गई थी बिकॉज मैं छत पे बैठी थी तो हवा चल रही थी, धूल आ गई। सो एंड आई डिसाइड कि अब हम करते हैं, जितना हुआ इतना ठीक है, क्योंकि शाम 4:30 समथिंग हो रहे थे, तो 5:25 हो रहे थे आई गेस, या 5:20 हो रहे थे। सो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो इसको, जितना हुआ इतना ठीक है, अब मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी, उसके बाद फिर मैं दूसरा चैप्टर कंप्लीट करूँगी। पूरा दिन मेरा सिर्फ एक लेक्चर फिजिक्स का जो 4 ओवर का था और एक बायोलॉजी का लेक्चर मैंने 3 ओवर का कंप्लीट किया है। और मैंने पूरा मतलब 2x2 स्पीड पर नहीं करा था, पूरा जैसा था वैसे के वैसे ही देखा उसको, बिकॉज मेरे को जिस जो रिदम में टीचर चल रहे थे ना उसमें मेरे को ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा था इस वजह से। एंड देन फिर उसके बाद मैंने किया थोड़ा रेस्ट, उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया एंड देन डिनर। और हम घर पे डिनर जल्दी कर लेते लाइक 10-11 बजे नहीं करते हम, 6:30-7 o'clock हमारा डिनर हो जाता है, वही टाइम है हमारे डिनर का, मैं थोड़ा जल्दी कर लेती क्योंकि डाइट कॉन्शियस। मैंने कहीं पढ़ा था एक जगह, मैं जब वीडियो देखी थी तो उन्होंने बताया था कि जो मॉर्निंग का लंच होता है वो ना वो आप 12 o'clock या 1 o'clock समथिंग कर लो, और जो डिनर होता है ना वो 7 o'clock करो, तो उसमें भी डाइट अच्छे से कंज्यूम हो जाती है। टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बताया था उन्होंने, तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ अभी, ताकि क्योंकि मैं एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पा रही और वेट जो है ना बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। सो कुछ ना कुछ करके उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और यहाँ मैं कंप्लीट करी थी अपने बायोलॉजी की मिस्टेक नोटबुक, बायोलॉजी की मिस्टेक नोटबुक एक्चुअली है ना बायोलॉजी क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम, दैट्स इट। मैं 2 चैप्टर लेके बैठी थी। अब मैं बताती हूँ मैंने इसमें किया क्या, लाइक बहुत से बच्चों को सॉरी बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है समझने में, मैं बताती हूँ मैंने किया क्या। एक्चुअली हुआ है ना, मैं क्या करती हूँ जब इसको मिस्टेक नोटबुक बनाने बैठती हूँ, ऐसा नहीं मिस्टेक नोटबुक होती है इसलिए कि जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए वो उसमें लिख लेते हैं, बट मेरी मिस्टेक नोटबुक से अलग टाइप की होती है। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते वो तो मैं लिखती हूँ, बट साथ में 2 चैप्टर ऐसे हैं, जो टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे को लग रहा है कि मैं भूल जाऊँगी, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरे को, तो मैं फिर उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। ऐसे ही मैंने 2 चैप्टर के पूरे मिस्टेक नोटबुक बनाई एज यू कैन सी, और इनको बनाने में मेरी हालत ख़राब हो गई, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना साथ में और मिस्टेक नोटबुक बनाना साथ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसके अंदर। सो ये मैंने करा था प्लांट किंगडम एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। एंड देन उसके बाद मैंने टिक लगाए, और टिक लगाने में मैं एक बात भूल गई थी कि मैंने बायो मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर भी करा है, आज आधा ही करा है बट करा तो है ना, तो मैंने उसको लिखा ही नहीं और टिक भी नहीं लगाया, मेरे दिमाग से उतर गया अभी मैं बोल रही हूँ तब याद आया मेरे को। और अब मुझे करना था केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिविज़न, मेरे लेक्चर नंबर 5 से अधूरा था। सो मैंने सोचा कि आज इसको कम्प्लीट कर लेते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि मेरे को सिर्फ मैं ऑर्गेनिक में सिर्फ रिविजन करती हूँ, मेरे को माइंड में इसका सोचा था मैंने मैं बनाऊंगी, बट मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लाइक मैं लेक्चर से बनाऊँ, मैं शॉर्ट नोट से बनाऊँ या मैं बुक से बनाऊँ। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा इसको मैं पहले ऑर्गेनिक का रिविजन कर लेती हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, देन जो भी होगा हम बाद में देखेंगे, अभी इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने निकाला अपना टैब, ओके, जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा 100 रुपीज़ का आईपैड। किसी ने मुझे पूछा था कमेंट में कितने रुपये का है, मतलब कितना कॉस्ट है, 100 रुपीज़ लिखते हुए शर्म आएगी यार, 100 रुपीज़ का आईपैड, कोई फिर सच बोला था जितने का उतना ही बोलूँगी ना, कि हाँ 100 का तो 100 से बोलूँगी, ऐसा थोड़ी ना 100 का बोल दूँगी, हमारे यहाँ 100 से ही मिलता है, काफ़ी छोटा है ये, बट मेरा काम आराम से चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है उसमें, अच्छा खासा चल रहा है मेरा इससे काम, तो बढ़िया है, मस्त है, मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है इसको, पता है मुझे ना इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों बचपन वाली फीलिंग आती है, हम स्लेट और पेन लेके बैठे रहते ना उसमें, वो वाली फीलिंग आती है। तो मैंने क्या था फिर बायोलॉजी करी रिजन, और आप देख रहे हो मैं सारे रिएक्शन कम्प्लीट कर रही थी, बिकॉज मैं ऑर्गेनिक ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ और मेरे को ऐसे ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेरे को सिर्फ पढ़ पढ़ के सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मैं जब तक ऑर्गेनिक से प्रैक्टिस ना करूँ ना तब तक मेरे को लगता ही नहीं कि मैंने ऑर्गेनिक करी है। सो मैं ये करती हूँ जो क्वेश्चन दिया होता है ना मैं पूरा पढ़ लेती हूँ पूरा पेज एक बार,
उसके बाद जो क्वेश्चन सर ने दिया होता है ना, मैं उसको अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं एक बार पढ़ लेती हूँ उसको, ऐसे ही मैं रीजन करती हूँ। एंड ऐसे करते 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 मैंने पूरा आइसो मैनेजमेंट तक कर लिया था, मतलब आइसो मैनेजमेंट से करना बाकी था मेरा, तो मैंने वहां तक उसको पूरा कम्प्लीट किया था। और इन सबको करने में मेरी हालत हो गई थी खराब, लाइक रात के 12 साढ़े 12 समझिंग बोलते, 12:30 या फिर 1 o'clock समथिंग, मैंने एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं है। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, हैव अ गुड डे।